आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया वर्चुअल, और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत अब मानी जाएगी कि शुरुआत हो चुकी है और सौ बच्चों का एडमिशन होना है और रिजल्ट जल्दी निकलने वाला है और इसके बाद एक महीने के अंदर बच्चों के आने की संभावना है, बच्चे पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सर, देखा जाए एक तरह से कि हमेशा जो है गाजीपुर में कोई भी गन शॉट या इस तरह का होता तो रेफर टू वाराणसी, तो क्या इस पर रोक लग पाएगी सर? हाँ, रोक लगेगी। सर्जन हमारे पास और संख्या में बढ़े हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि मरीज का यहाँ ही इलाज हो। आज यहाँ गाजीपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नौ मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण कार्यक्रम सफल हुआ, जिसमें गाजीपुर में मां श्री विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है। और आज गाजीपुर का यह लोकार्पण कार्यक्रम आदरणीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ है। हमारे जनपद के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे और स्थानीय लोग थे, चिकित्सा विभाग के लोग थे और यह कार्यक्रम सफल सम्पन्न हुआ है। यहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी सर? मेडिकल कॉलेज के खुलने से न केवल जनपद गाजीपुर बल्कि आसपास के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। चिकित्सीय सुविधाएं हमारे यहाँ उतनी नहीं थी। कुल एक महिला चिकित्सालय, एक जिला पुरुष चिकित्सालय के अलावा विकास खंडों पर एक एक पीएससी और सीएससी थी। अब मेडिकल कॉलेज के खुल जाने से न केवल चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी बल्कि पैरा मेडिकल स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में रहेगा, और जो लोग यहाँ से बनारस या आसपास के बड़े शहरों में जाया करते थे इलाज के लिए, शायद अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा और गाजीपुर में चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि पूर्वांचल के अंदर नौ मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से हो रहा है। और जहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब 2017 में हम लोग की सरकार आई थी, योगी जी की सरकार आई थी, उस समय 12 ही मेडिकल कॉलेज थे और आज 30 और मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 9 का आज लोकार्पण हुआ है। पिछले साल 7 का और हुआ था और इस प्रकार से 2 एम्स और आए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश को एक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा जाता था कि खाली लखनऊ है या बनारस है या दिल्ली भागना पड़ता था, आज हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज रहेगा। और साथ ही साथ जिन ज़िलों में नहीं हुआ है अभी तक, उसके लिए एक बीपीपी मोड पे हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे उत्तर प्रदेश में। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश की जनता इसी को मैं इतना ही कहूँगा, शुभकामनाएं देता हूँ कि अब आप मेडिकल कॉलेज के माध्यम से स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें।